खबर पीलीभीत जनपद से, जहां घर में घुसकर मारपीट के बाद महिला को मारी गोली। गोली लगने से महिला की मौत, कई लोग घायल। घर में घुसकर आधा दर्जन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तमंचे और हथियारों से लैस थे गुंडे, गांव के ही आधा दर्जन लोग। परजन थाने में बैठे माधोटांडा पुलिस ने आरोपियों पर नहीं किया केस दर्ज। थाना माधोटांडा इलाके के बरुआ कुठारा गाँव का मामला है। क्या नाम है आपका? विनोद। ये जो बराबर बैठे कौन है आपके? हमारे पिताजी हैं। क्या घटना उनके साथ? इनके साथ साहब पाँच छः सात गुंडे आए, पांच गुंडे आके साहब घर में घुस पड़े। इनका बंका लेके इनके सर पे बंका चलाया उनने, तो इनने साहब हाथ आगे कट दिया, तो इनका हाथ कट गया साहब, इनका हाथ कट गया साहब। हैं जब जान छुटा के भाई भाग निकले, मगर मेरे माँ के इनने गोली मार दी साहब सीना में, वो किए पे उनकी मृत्यु। माँ का क्या नाम था? राम प्यारी। कहाँ का मामला है ये? बरुआ कुठारा थाना, थाना मानो टांगा। कितने लोग थे जो गोली मारी थी? पापा थे, मम्मी थे, दो ही लोग जिसने गोली मारी। वो कितने बदमाश? पांच लोग। अच्छा, क्या नाम है उनका? मदन लाल, हरीश चंद, ओम प्रकाश उर्फ बिल्लू, और क्या नाम है उसको, राम प्रसाद। कोई मामला तो होगा ऐसे, मतलब क्या पुराना विवाद है साहब? किस विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था ये? जी साहब, पुराना हमसे झगड़ा हो गया था आम के पेड़ की वजह से, तो उसमें जो है झगड़ा में, लड़ाई झगड़े में उसकी बाप की मृत्यु हो गई थी, उसके बाप की, तो उसने वो ही रंजिश निकाल ली थी। क्या नाम है आपका? अंकल लाल। क्या हुआ आपके साथ? घर में घुस पड़े हैं रात में गुंडा लोग। कहाँ रहते हैं? बरुआ कुठारा। गुंडा लोग कौन थे, कुछ जानते हो? गए नाम बताओ। हरिचंद, नाम बताओ। नन्हे प्रसादी, मदन लाल, ओम प्रकाश, पांच लोग थे। कहाँ का ये मामला है? ये हमारे झाला बरुआ। कहाँ पड़ता है? घर में घुसते हैं बरुआ कुठारा। ये थाना माधोटांडा के बरुआ कुठारा गांव में कल रात को ये कंप्लेनेंट शंकर लाल ने यह अवगत कराया कि इनके प्रतिद्वंदी हरीश चंद्र ने एक पुरानी रंजिश के चलते इन पर हमला किया और इनकी पत्नी राम प्यारी, वाइफ ऑफ शंकर लाल, इनको लाठी डंडों या किसी धारदार हथियार की चोट से घायल कर दिया। इनको तत्काल रात में CHC ले जाया गया, जहां पे इनको मृत घोषित किया गया था। इस मामले में तहरीर के आधार पर क्राइम नंबर 128/21 अंडर सेक्शन 302 दर्ज कर लिया गया है पाँच लोगों के विरुद्ध, और इसमें ये एक अपराधी को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मैटर में यह प्रकाश में आया है कि इनमें पिछले साल भी आपसी रंजिश में एक मुकदमा 304 का दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में कंप्लेनेंट जो शंकर लाल है उनको हल्की चोटें आई है, इनके अलावा किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, अभी तक सूचना नहीं है। और इस प्रकरण में कुछ न्यूज़ चैनल द्वारा चलाया जा रहा है कि इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है, इस तरीके की कोई भी सूचना अभी तक प्रकाश में नहीं आई है।